नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है पढ़ाई? आपने पाठ दोहराया? मैंने आपको असाइन किया था ना, आपकी फोर, यस, पेज नंबर 37, उसमें आपने देखा टेक्सचुअल एक्सरसाइज की और ध्यान दिया, आपको कौन से प्रश्न आए, कौन से नहीं आए, वीडियो में से आप कर पा रहे थे ना। अरे वाह, अच्छा माई डियर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, आपको एक जानकारी मैं दे दूँ, क्योंकि वर्कशीट्स पे, नोटबुक्स पे, एक्टिविटीज पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर कि आपको बहुत ही शुद्ध सुंदर राइटिंग में नोट्स बनाने हैं। और आपने चैप्टर को दोहराया था जिसका शीर्षक है क्या है, आपकी खोज। कैसा रहा आपका, आ रहा था आपको रीडिंग, सही उच्चारण कर पा रहे थे रीडिंग में? अच्छा, और आपने वीडियो देखा, सब समझ में आ गया आपको कि किस तरह आग का विकास हुआ था, कैसे उसमें से गर्मी और रोशनी उत्पन्न हुई थी? अच्छा, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर हो गया हमारा और रीडिंग भी ओवर हो गया है ना। तो आज हम लोग उसी का ही वर्कशीट करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक क्या है, आपकी खोज। इसका टॉपिक का नाम क्या है, आपकी खोज। और हम लोग करने जा रहे हैं वर्कशीट। बेटा आपको ध्यान देना है, जब भी हम लोग वर्कशीट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, तो आपके पास नोटबुक और बुक होना ज़रूरी है, साथ में पेंसिल भी। अगर कोई कन्फ्यूजन है, क्वेरी है, या जानकारी आपको चाहते हैं कुछ भी, या आपको उसमें से अपने खुद से न्यू जानकारी मिल रही है, तो आप उस कॉपी में लिख सकते हो ना, और कुछ भी कन्फ्यूजन है वो भी आप उतार सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी जानकारी के लिए। और हम लोग अभी जा रहे हैं बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज वर्कशीट रीडिंग स्टार्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सेट हैं इसका वर्कशीट करने के लिए। हिंदी का पाठ का नाम है आपकी खोज। आइए हम लोग पढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। सोचिए और बताइए, आपको सोचना है और बताना है, आग का विकास कैसे कैसे हुआ, बताइए। मैंने आपको पूरा चैप्टर समझाया था ना, पहले क्या हुआ था, पहले लोगों ने पत्थर को रगड़ा, उसमें से चिंगारी निकली, उससे उनको गर्मी और रोशनी का अनुभव हुआ, एहसास हुआ, ऐसे वो अपनी सर्दी भगाने लगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने चकमक पत्थर से भी आग उत्पन्न की। आगे चलकर उन्होंने दिया सिलाई को लेकर आग का विकास किया। तो ऐसे ऐसी तरकीबों को लेकर आगे चलते क्या हुआ, आग का विकास हुआ। आपको समझ में आया? यस। आप आग के बारे में क्या जानते हैं, ये आपको सोच के खुद से लिखना है कि आप आग के बारे में क्या क्या जानते हैं, कि क्या बनता है उस पर, उसका उपयोग किधर और किस तरह से किया जाता है। तो इस पर आपको सिर्फ दो ही पॉइंट्स लिखने हैं, दो ही वाक्य लिखने हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, आग की खोज ने आदमी को सर्दी से कैसे बचाया। आग उत्पन्न करके उन्होंने सर्दी को दूर भगाया। आग के उत्पन्न से क्या हुआ, गर्मी का एहसास हुआ और इस तरह से उन्होंने सर्दी से अपना बचाव किया। यस, आपको समझ में आया बेटा कि किस तरह से आग के उत्पन्न होने से, आग के विकास से सर्दी को से हम लोग बच पाए। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। पहले दुनिया में चारों ओर घने जंगल थे। हाँ, जब भी दुनिया का, इस वर्ल्ड का विकास नहीं हुआ था, तो चारों तरफ क्या था, जंगल ही जंगल था। तो उसका क्या लिखेंगे आप, सही लिखेंगे या गलत का चिन्ह लगाएंगे? यस, सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरी ओर जाते हम लोग, आज हमारे लिए आग जलाना बहुत ही मुश्किल काम है। क्या ये वाकई में है, आग जलाना मुश्किल काम है, कि दिया सिलाई के उत्पन्न होने से आग का विकास तो पूर्ण रूप से, पूरी तरह से हो गया है, फिर तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है ना आग जलाना? तो ये इस पर हम लोग क्या चिन्ह लगाएंगे, समझ में आया? ओके, आगे की ओर चलते हैं। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी जीत है। आग उत्पन्न हुई तो क्या हुआ, हमने जीत हासिल कर ली। बहुत सारी इसके ऊपर हमने डिस्कवरीज और इन्वेंशन किए, तो ये हमारे लिए
क्या हो गया, हमारे लिए एक प्रकृति पर भेंट हुई, देन हुई। आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है। तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, सही लिखेंगे कि गलत? सही लिखेंगे, करेक्ट। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। जो सही है उस पे ही आप टिक करेंगे, जो गलत है उस पे टिक नहीं करेंगे। पहले इसको आप सब्र से और ध्यान से पूरा फोकस के साथ सोचेंगे, उसके बाद ही आप सही का निशान लगाएंगे। पहले आदमी कहाँ रहता था, मकान में, जंगल में या घर में? पहले तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ चारों तरफ जंगल ही जंगल थे। तो इंसान, मनुष्य, आदमी कहाँ रहता था? जंगल में। कैरेट, आदमी को आग से किसका अनुभव हुआ, अंधेरे का, रोशनी व गर्मी का या ठंडक का? जैसे ही आग उत्पन्न हुई, जैसे ही आग का विकास हुआ, उसके समीप बैठ के क्या हुआ, हमको किसका अनुभव हुआ कि कोई रोशनी सी आई, हमारी सर्दी दूर होने लगी। इसका मतलब सर्दी को दूर भगाने का हमने उपाय किया, तो हमको क्या अनुभव हुआ, रोशनी एवं गर्मी का हमको एहसास हुआ, अनुभव हुआ। तो हम लोग किस पे टिक करेंगे, रोशनी व गर्मी का। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस पे आपको उत्तर लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ये आप टेक्स्ट बुक में भी कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप जो मैं नोट्स भेजूंगी, आप वो नोट्स किसमें उतारेंगे, अपनी फेयर नोटबुक में। आदमी ने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए? ये मैंने आपको समझाया था ना, क्यों किए पत्थरों के टुकड़े टुकड़े? या देखिए, ये पेज नंबर 35 पे अगर आपको आंसर ढूंढना है, तो यहाँ पर दिया गया है कि जानवरों को मारने के लिए इंसानों ने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े किए। क्या किए? पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए बेटा, जानवर को मारने के लिए? तो ये आपका हो गया उत्तर। आदमी ने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आदमी ने किस पत्थर से आग पैदा की? वो कोई साधारण पत्थर था। पहले उन्होंने कोशिश किया कि दो साधारण पत्थर को घिसकर रगड़ कर उन्होंने आग पैदा की। फिर उन्होंने अनुभव किया कि ये आग चकनम पत्थर से भी पैदा हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। तो क्या लिखेंगे आप क्या समझे? वेरी स्मार्ट। यदि आग नहीं होती तो क्या होता, लिखिए। आपको अनुभव होता है ना, अगर आग नहीं होती तो मम्मी आपके लिए टेस्टी टेस्टी खाना, मज़ेदार भोजन आपके लिए कैसे बनाती? बहुत सारे साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हम डिस्कवरी करते हैं, रिसर्च करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, है ना। तो उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, आग चाहिए होती है ना। तो आग के बिना क्या कोई काम हो सकता है? बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आग के बिना सरलता से नहीं हो सकते हैं। तो इसमें आप 3 या 4 वाक्य लिख सकते हैं। यदि आग नहीं होती तो क्या होता, लिखिए। अगर आग नहीं होती तो क्या हो सकता था, वो आपको लिखना है। चाहे तो आप एडवांटेज लिखिए, चाहे आप डिसएडवांटेज लिखिए, ओके। सोचिए, समझिए और उचित निदान कीजिए। यहाँ पर आपको का और की का दिया गया है ऑप्शन, और जिस सेंटेंस में क्या यूज होगा, किस वाक्य को किससे मिलान करना है, ताकि वो वाक्य, उसका मीनिंग, उसका शब्दार्थ सही निकल सके। तो इस तरह से मिलान करना है ताकि उसका शब्दार्थ पूरी तरह से, या वो वाक्य पूरे रूप से मीनिंगफुल हो। वह भोजन खोज में भटकता था, एक मांस सूखा आग में गिरकर भून गया। तो आप क्या लिखेंगे, कौन से शब्द को, कौन से वाक्य को किससे मिलान करना है, आपको सोचना है। वह भोजन की खोज में भटकता था, आपको की अथवा का यूज करना है। एक मास का
टुकड़ा आग में गिरकर भून गया। तो इसके बिना वाक्य पूर्ण रूप से सही नहीं होता, इसका हमको मीनिंग नहीं निकल सकता था। इसलिए हमने क्या यूज किया है, का अथवा की, क्योंकि ये उचित हमको मिलान करना है ताकि इसका मतलब पूर्ण रूप से वाक्य को कंप्लीट कर सके और मीनिंग इसका जान सके। ठीक है बेटा, तो ये था आपका वर्कशीट चैप्टर के पर आधारित था जिसका नाम है आपकी खोज। तो बेटा मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वर्कशीट समझ में आया होगा और आप ये टेक्सचुअल एक्सरसाइज भी करेंगे और ये वर्कशीट भी कॉपी में उतारेंगे। ठीक है बेटा, तो अच्छे अच्छे और डिलीशियस टेस्टी टेस्टी फूड खाते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, मम्मी की हेल्प करते रहिए और की स्माइल हमेशा मुस्कुराते रहिए, क्योंकि महज एक मुस्कुराहट क्या बढ़ाती है, आपकी सुंदरता बढ़ाती है। गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।